हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर बात करते हैं तो आरआरबी जेई की चर्चाएं खूब चल रही हैं। तो आरआरबी जेई की बिल्कुल जो डिस्क्रिप्टिव हमारी नोटिफिकेशन है, जो एग्जाम की डेट होगी, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो सब आ ही जाएगा आगे। तो अगर हम बात करें तो किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें कि जब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए, क्योंकि इसमें अच्छे खासा नॉन टेक भी पढ़ना है और इसमें हमें टेक्निकल भी पढ़ना है, CVT 1 CVT 2 एग्जाम भी होगा। तो इसके बारे में एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि आरआरबी जेई के एग्जाम का क्या पैटर्न है, क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या मार्किंग है, कितनी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, क्या टाइम ड्यूरेशन है, किस तरीके से होगा, इस पूरी चर्चा को आज करते हैं स्टार्ट। तो अगर बात करते हैं तो आरआरबी जेई की जो 2024 में होगा, बहुत सालों बाद होगा। तो अगर CVT 1 पहले होता है, फिर CVT 2 देखने को मिलता है। तो CVT 1 में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वहीं पर CVT 2 की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 100 क्वेश्चन और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 150 क्वेश्चन। ईच जो क्वेश्चन है उसकी मार्किंग है 1, तो 1 मार्क का ईच क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी 1/3, नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले आपको CVT 1 देना पड़ेगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, फिर उसको क्लियर करना पड़ेगा। फिर आप CVT 2 देंगे, ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। CVT 1 की अगर हम बात करते हैं, पूरा प्योर नॉन टेक एग्जाम है, इसमें टेक्निकल कुछ भी नहीं पूछा जाए। वहीं पर अगर हम CVT 2 की बात करते हैं तो वहां पर कुछ पार्ट हमारा नॉन टेक भी पूछा जाएगा और मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा CVT 2 में टेक्निकल भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर CVT 1 देना है, क्लियर करना है, CVT 2 देना है, क्लियर करना है। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी मेडिकल चेकिंग होगी। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और फिर उसके बाद आपका मेडिकल भी होगा। ये 4 स्टेप्स आपको गुजर के चलना है, फिर आप आरआरबी जेई को आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो अगर बात करें एग्जाम की, तो अभी आपने देखा कि CVT 1 में 100 क्वेश्चन देखे जाएंगे जो कि प्योर नॉन टेक होंगे, जिसमें हमारा जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, हमारा रीजनिंग और जनरल साइंस, ये सब कवर किया जाएगा। फिर वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो हमारा CVT 2 है, वहां पर आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका टेक भी पूछा जाएगा और नॉन टेक भी पूछा जाएगा। अब बेसिकली अच्छे से देख लेते हैं कि जो नॉन टेक का CVT 1 में जो नॉन टेक का सिलेबस है, पहले उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे। वहीं पे अगर स्पेसिफिकली CVT 1 की तैयारी करने के लिए देखा जाए, तो CVT 1 का अगर सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करें, तो CVT 1 में आपको मैथ्स देखने को मिलेगा, कुछ पार्ट मैथ्स का देखने को मिलेगा, जिसे एप्टीट्यूड भी बोलेंगे, रीजनिंग का पार्ट देखने को मिलेगा आपको, जनरल अवेयरनेस जो कि हमारे सोशल साइंस है, बेसिकली पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हमारा इकोनॉमी, ये सब जो है हमारा करंट अफेयर, वो जनरल अवेयरनेस में आएगा। और जनरल साइंस अगर मैं भी बात करती हूँ, तो मैथ्स के आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चन मैथ्स का देखने को मिलेंगे, एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन, साइंस के भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 60 यही हो गए, 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे और 15 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के देखने को मिलेंगे। अगर यहीं पर हम इसका टोटल करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको देखने को मिलेगा, अभी बताया था कि 100 क्वेश्चन टोटल आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए है। तो कितने मार्क्स का हो जाएगा हमारा, 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का हमारा एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, 90 मिनट्स मिलेंगे, मतलब आपको 1 आवर मिलेगा और फिर उसके बाद आपको 30 मिनट्स और देखने को मिलेंगे। तो 1 आवर मिलेंगे और 30 मिनट्स और आपको 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करने हैं। इसका मतलब स्पीड पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए उसकी वजह से। उसके लिए क्या पता चलता है कि हमें प्रैक्टिस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा मैथ्स का पोर्शन है और जो हमारा रीजनिंग का पोर्शन है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग पोर्शन है क्वेश्चन करने के लिए, इसके क्वेश्चन करने के लिए अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपने पॉलिटी पढ़ा है, हिस्ट्री और ये ज्योग्राफी पढ़ा है। अगर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की बात करें, इससे भी बेसिक क्वेश्चन बन जाएंगे, जो कि इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी के आर्टिकल्स हैं, स्केड्यूल्स हैं, वहाँ से हमारे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो ये बेसिक चीजें पढ़ी हैं, वो भी यहाँ पे जो आपने SSC JEE के लिए पढ़ा है, वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। जनरल साइंस की बात करते तो यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सबका प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा। और आपको पता है इनमें भी जो बायोलॉजी है उसको ज्यादा पूछा जाता है इन कम्पेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपके लिए फायदा होगा। जनरल साइंस आपने पढ़ी है, जनरल साइंस को और ज्यादा यहाँ पर वेटेज भी दिए गए हैं। मैथ्स से पता चलता है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अच्छे खासे देखने को मिलेंगे
और आपका मार्क्स जो यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा है। तो अब इनमें क्या बेसिक और चीजें पढ़नी है जो इनका मैथ्स में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इनको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। वहीं पे अगर हम और डीप डाउन जाते हैं और डीप डाउन जाए तो अगर मैथ्स के सिलेबस को देखा जाए तो मैथ्स के सिलेबस में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नंबर सिस्टम पूछा जाता है, एससीएफ एलसीएम, तो बेसिकली जो भी हमने 10th तक की मैथ्स पढ़ी है, जो बेसिक हमने चीजें पढ़ी है, उन्हीं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये कि 90 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन करने हैं, तो हमें वो ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी, कुछ ट्रिक्स वाले क्वेश्चन जो होंगे ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम बेसिक तरीके से करेंगे तो ऑब्वियसली हम एक टाइम फ्रेम में क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर यही मेन प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करके हमें जो ट्रिक्स है वो सीखनी है। तो नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, एससीएफ एलसीएम पूछा जाता है, परसेंटेज से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक टॉपिक होता है जो हमारा है पाइप एंड सिस्टम। तो पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो जो इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज और जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ये एक दूसरे से बहुत सिमिलर है। तो यहाँ तो सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो एवरी टॉपिक को वो टच करते चलेंगे। तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये सब थोड़े ट्रिकी वाले टॉपिक है। एलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है, एलजेब्रा से ही रिलेटेड कि एज वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि 5 साल बाद आपको कितनी एज देखने को मिलेगी, प्रेजेंट एज कितनी है, या रेशियो पूछा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट ईजी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा कैलेंडर और क्लॉक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैलेंडर से पूछा जाता है क्वेश्चन कि इस डे पे कौन सा, इस तारीख पे कौन सा डे देखने को मिलेगा, और क्लॉक से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर इतने बज रहे तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल देखने को मिलेंगे। तो कैलेंडर और क्लॉक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पर डेसिमल और फ्रैक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन अभी हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंसुरेशन बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या है कि वॉल्यूम और जो सरफेस एरिया जो हम पूरा पढ़ते हैं कि सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, कोन का क्या होता है, स्फीयर का क्या होता है, हेमिस्फीयर का क्या होता है, सबके याद होने चाहिए। रेशियो वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी, ये भी टॉपिक अच्छा खासा पूछा जाता है। तो टाइम एंड डिस्टेंस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री में हमारा आ जाएगा क्यूबॉइड, क्यूब, ये सब जो है हमारा ज्योमेट्री में पूछा जाता है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं पर रीजनिंग की अगर बात करें तो 30 क्वेश्चन हमारे ये मैथ से पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप एक घंटा डेली अभी भी शुरू कर दें तो अच्छा रहेगा आपके लिए, तो आप थोड़ा सा एज पे रहेंगे जो, और जो हमारी बाद में जब नोटिफिकेशन आता है, बेसिकली तब तैयारी शुरू करते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे, जब डेट आ जाएगी तब लोग तैयारी करना शुरू करते हैं। तो अगर आपको एज पे रहना है तो हाँ यहाँ पर कर सकते हैं। रीजनिंग बेसिकली अभी आपने एसएससी जेईई के लिए पढ़ी थी, तो रीजनिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही उम्दा हो जाएगा। तो रीजनिंग की बात करते तो एनालॉजी, डिकोडिंग, कोडिंग, रिलेशनशिप पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वेन डायग्राम जो हमारा, वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जंबल वाले स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो रिलेशन, डायरेक्शन, ये सब मिरर इमेज, वाटर इमेज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फाबेट और नंबर सीरीज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अल्फाबेट वाले तो लोग ऑलमोस्ट बना लेते हैं, नंबर सीरीज के लिए ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ता है। क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिलोजियम्स पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों जो है बेसिकली, अगर इसकी बात की जाए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये मैथ्स का सिलेबस हो जाएगा और ये रीजनिंग का सिलेबस हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो हमारा जनरल अवेयरनेस है, तो करंट अफेयर्स का वेटेज ऑब्वियसली ज्यादा होता है। करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलेगी, ज्योग्राफी देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आपको, आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी, हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो, उसका वेटेज आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पर जनरल साइंस जो है उसका भी अच्छा खासा वेटेज देखने को मिल रहा है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछी जाती है। बायोलॉजी को थोड़ा सा आप ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी। तो 10th तक का जो बेसिक एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी को कवर किया जाता है, बस हम एनसीईआरटी भी ठीक से ही नहीं पढ़ते, इस वजह से क्वेश्चन थोड़े हमारे लिए टफ हो जाते हैं। तो ये तो हमारा सीबीटी 1 में पूछा जाएगा। सीबीटी 2 की अगर बात करें तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक वहां पर पूछे जाएंगे। सीबीटी 1 क्लियर करने के बाद सीबीटी 2 की अगर बात की जाए तो सीबीटी 2 देना पड़ेगा आपको, जिसमें आपका किस किस तरीके से डिवीजन होगा सब्जेक्ट्स का, किस किस मार्क, किस किस तरीके से मार्क्स का डिवीजन है, ये सब देख लेते हैं। अगर जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो जो ही आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जो आपने अभी सोशल साइंस पूरा, जो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब जो आपने अभी एसएससी जेईई के लिए पढ़ा था वो आपका यहाँ पर भी यूटिलाइज हो जाएगा। और भी डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, जितने भी आप स्टेट के एग्जाम देख लो या और भी जेईई एग्जाम्स देख लो, वहाँ पर आप
जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है तो वो आपकी वेस्ट नहीं होनी है। तो यहाँ पर आप देखो सीपीटी 1 के लिए भी आपने पढ़ा, सीपीटी 2 के लिए भी आप पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे 15 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा तो आपको वो वेस्ट ही नहीं होना। अगर वहीं पर साइंस की बात करें तो साइंस से भी आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अब, लेकिन यहाँ पर जब सीपीटी 2 के लिए आपको कंप्यूटर्स भी पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे। एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन जो है हमारा जो सब्जेक्ट होगा, एनवायरमेंट से भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एनवायरमेंट से भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और जो आपका टेक्निकल है, आप सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हैं, तो आपको यहाँ से आपको अपने 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 100 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे, तो टोटल कितने क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली अगर इसकी बात करें तो 150 क्वेश्चन आपको सीपीटी 2 में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस की बात की जाए तो 30 क्वेश्चन वहीं देखने को मिलते हैं, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन और एनवायरमेंट के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और टेक्निकल जो भी आपका डिपार्टमेंट है वहाँ से आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस और साइंस है इसका तो सिलेबस आपको पता ही है, पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी यहाँ पर, और अवेयरनेस में आपको जो पूरा सिलेबस है अपना जो जनरल सोशल साइंस का वो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी हम कंप्यूटर्स और एनवायरमेंट का देख लेते हैं कि 10-10 मार्क्स का ये भी पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या क्या टॉपिक को हमें पढ़ना पड़ेगा। सीपीटी 1 के बाद अगर बात की जाए तो सीपीटी 2 का एग्जाम होगा, जिसमें आप देख सकते हो कि आपको जो 120 मिनट्स मिलेंगे, सीपीटी 2 में आपको 120 मिनट्स मिलेंगे 150 क्वेश्चंस करने। तो आप देख सकते हो टेक्निकल में फिर किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि 150 मिनट्स में आपको टेक्निकल भी सॉल्व करना है, आपको एनवायरमेंट भी सॉल्व करना है, कंप्यूटर भी करना है, साइंस भी करना है, जनरल अवेयरनेस भी करना है। तो 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चन करना इतनी भी ईजी बात नहीं है। तो हमारे लिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के होंगे, और बहुत ज्यादा हमारे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट पूछा जाएगा, तो बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट जो एनवायरनमेंट का सिलेबस है उसमें देखा जाए तो बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट क्या, जो हमारे आसपास चीजें हैं, वाटर पॉल्यूशन पूछा जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पूछा जाएगा, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, तो ये सब जो हमारे डिफरेंट पॉल्यूशन उनके बारे में पूछा जाएगा। एसिड रेन के बारे में पूछा जा सकता है कि एसिड रेन एक टॉपिक है जिसमें मतलब एसिड रेन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इतना ज्यादा कचरा कर रही है, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए इस बारे में पूछा जाएगा। तो वेस्ट मैनेजमेंट से वन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन की बात की जाए तो जैसा कि पॉल्यूशन क्या है, तो पॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन किस वजह से होता है, पॉल्यूशन के कितने टाइप्स हैं, और उसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये सब पॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं पर अगर हम बात करते तो ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ग्लोबल वार्मिंग की क्या रीजंस है, क्या पॉल्यूटेंट्स, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ओजोन की क्या रीजन है, ओजोन कहाँ पर देखने को मिलता है, ओजोन लेयर क्या है, ये सब जो बेसिक चीजें हैं ये सब पूछी जाएंगी। वहीं पर कंप्यूटर्स की बात करते तो कंप्यूटर्स में जो हमारा कंप्यूटर का बेसिक और जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है कि कहाँ से शुरू हुआ, किस किस तरीके के कंप्यूटर देखने को मिलते हैं और आज हम किस तरीके के कंप्यूटर देखते हैं, तो जो कंप्यूटर का बेसिक्स है उसकी हिस्ट्री उसके बारे में पूछा जा सकता है। एमएस ऑफिस है जो सिलेबस है वहाँ पर एमएस ऑफिस लिखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, वेबसाइट और वेब ब्राउजर के बारे में पूछा जा सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस के बारे में पूछा जा सकता है, एंटीवायरसेस भी पूछा जा सकता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पूछे जाते हैं जैसे कीबोर्ड, ये सब जो है हमारे माउस प्रिंटर, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पूछे जाते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस देखने को मिल सकते हैं, इनसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ईमेल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ईमेल इंटरनेट से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नेटवर्किंग और अब एआई से भी 2-4 क्वेश्चन पूछे जा सकता है, तो नेटवर्किंग और एआई इन सबसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो ये कंप्यूटर का सिलेबस हो गया, एनवायरमेंट का सिलेबस हो गया, और टेक्निकल जो भी आपका बेसिक टेक्निकल है जैसे सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो जो भी सिविल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स हैं आप डिफरेंट एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं वही एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि जो टेक्निकल से पिछली बार वैसे अभी 2019 में पेपर हुआ था उसके बाद तो हुआ नहीं है, तो अब उस पेपर में देखेंगे कि किस मार्क्स कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।